नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर फिर से कह रहा हूं कि गुरु खेला तो हो रहा है। जल जंगल जमीन की इस धरती में कैसे ऐसे संभव है कि 117 एकड़ जमीन बिक जाए और जमीन मालिकों को पता भी ना चले? क्या यह संभव है? आप ही बताइए, आप ही सोचिए। आप घर में है और आपकी जमीन बिक जाए, आपको पता ना चले, क्या यह संभव है? भाई, जमीन की जब रजिस्ट्री होती है तो उसमें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ना। ऐसे तो मैं ताजमहल की रजिस्ट्री कर दूं। अगर सिर्फ कागज के भरोसे ही सब कुछ है, रजिस्ट्री में अगर किसी को कुछ पता नहीं करना है तो मुझसे राजभवन भी ले लीजिए, मुझसे मुख्यमंत्री आवास भी ले लीजिए। मैं सब आज यहां लाइव चैनल में बैठ करके बेच रहा हूं। किसको खरीदना भाई, आ जाओ। आज बात इसी की होगी और डंके के चोट पर होगी। दशम फॉल ले लो, मोराबादी ले लो, बेतला वन अभ्यारण्य भी ले लो, टंडवा एनटीपीसी भी ले लो, बंशीधर मंदिर भी ले लो, भाई जब फर्जी कागज से ही बिकना है तो सब बिक जाएगा। आप सोए रह जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब नोटिस आएगा तब नींद खुलेगी। इसलिए जागो झारखंड, जागो। तो भैया, किसको क्या खरीदना है बता दो। दशम फॉल खरीदेंगे, राजभवन खरीद लीजिए, काफी जगह है वहां पे। नहीं, अच्छा मुख्यमंत्री आवास खरीद लीजिए। एक काम कीजिए भाई, जब फर्जी कागज के आधार पर ही बेचना है तो बेच देते हैं, क्या दिक्कत है? विधानसभा बेच देता हूं, एक काम करता हूं। किसी को खरीदना है कुछ भाई? यकीन नहीं कीजिएगा, आप सोचिए। गढ़वा में 117 एकड़ जमीन है, उसमें से कुछ जमीन आदिवासी कोरवा जाति के लोगों की, आदिम जनजाति जिसको कहते हैं, और कुछ जमीन ऐसे लोगों की है जिनको यादव कहते हैं, यादव जी लोगों की। इन लोगों को पता भी नहीं चला और 117 एकड़ जमीन बिक गई। उसमें से कुछ जमीन जो है वो हिंडालको चंदवा के नाम से रजिस्ट्री हो गई, केवाला रजिस्ट्री थी, और कुछ जमीन जो है वो बरायबुरू की रामेश्वर जूट मिल के नाम से रजिस्ट्री हो गई। अब इन लोगों को तो पता था नहीं, आधी कुछ जमीन का उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो भाई, चौकीदार जब नामांतरण का रसीद या यूं का एडवर्टीजमेंट लेकर के आया, तब इनको पता चले, अरे हमारी जमीन बिक गई, ऐसा कैसे है? भाई, जल की धरती, जंगल की धरती, जमीन की धरती, वहां पर यह खेल चल रहा है। तो बाकी देख लीजिए आप क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार, गढ़वा में जमीन का चोर कौन है, 117 एकड़ जमीन का चोर, रिपोर्ट दिखाइए। जंगल जमीन की धरती पर जमीन का खेल, जमीन मालिकों को पता ही नहीं और बिक गई जमीन, 117 एकड़ से ज्यादा जमीन का खेल। जमीन बेचा गया है हिंडालको कंपनी द्वारा, और 18 एकड़ 35 डिसमिल जमीन है, और हर कागजात मेरे पास है। और अभी अभी में इश्तिहार आया था तो पता चला कि कंपनी के पास बेचा गया है। सुंदर यादव, विनोद यादव, रमनाथ यादव, सूरजदेव यादव और पिता रमेश्वर यादव, बेचने वाला हमारा जमीन है। बिक्री हो गया कैसे? वो मैं, मेरा पुराना स्थान था भवनाथपुर, तो वहाँ से मैं वहाँ अपना घर व्यार बेच करके, और रमेश्वर यादव बोले कि मैं जमीन बेच रहा हूँ, मेरा जमीन ले लीजिए। तो हम लोग को पसंद पड़ा ही गाँव घर, जमीन मैं ले लिया। लेने के बाद जो है से जो जमीन हम लोग लिए थे वही खाता पलवट, जमीन दोबारा भी कंपनी के हाथ
बेच दिए चा गया कंपनी लेलन। हाँ वह मालूम होलक तो ये हमन भाई रह उनके भाई आई लग आयल रथिन कैसन ता हम हनो नहीं जाने पारली बाकी सौसे हाला हो गेल तो भाई जमीन जमीन बेचा गेल तो भाई वही हम। इस जमीन को देखिए यही जमीन है आदिम कोरवा जनजाति और यादव जाति के लोगों की। इस जमीन का खेल नहीं बल्कि पूरा खेला हो गया बेचा गया। कौन लिया? कंपनी लिया है? कंपनी लिया। कितना जमीन था? जमीन कितना था? 18 एकड़ जमीन था। कंपनी बेच दिया? हाँ, कंपनी। नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम। फिर बार है हमन के कागज पत्र नहीं रहे कंपनी जगह बेचा गया। कितना है? लगभग 1.5 एकड़। मालूम नहीं पड़ा? कैसे मालूम नहीं पड़ा? मालूम तो पड़ ले रहे दरखास्तों दे ले रही थाना में लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये जमीन कड़वा के रंका अंचल के तहत आती है। आदिम कोरवा जनजाति की यहाँ 32 एकड़ जमीन है। यादव जाति की यहाँ 85 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आदिम कोरवा जनजाति की जमीन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज चंदवा को बेची गई है। यादव जाति वाली जमीन रामेश्वर जूट मिल बराय बुरु को बेची गई है। ये खरीद बिक्री 3 अलग अलग केवाला के जरिए की गई है। के संबंध में अभी एक उपायुक्त महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो एसआर कंपनी रैयतों को तो पता भी नहीं चलता अगर रंका अंचल ने नामांतरण का इश्तेहार न निकाला होता। इश्तेहार देखकर रैयतों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें पता ही नहीं और उनकी जमीन बिक गई। आखिर यहाँ जमीन का खिलाड़ी कौन है? भू स्वामी ने नहीं बेची तो किसने बेची जमीन? इस जमीन का केवाला कैसे संभव है? कड़वा से न्यूज 11 भारत के लिए आशीष कुमार राजा की रिपोर्ट। चल जंगल भाई देख लीजिए जमीन के मालिकों को पता भी नहीं चला और 117 एकड़ जमीन जो है वो बिक गई। अब सोचिए कि खेला कितना बड़ा है। आपने सोचा समझा? भाई अगर ऐसे ही बेच देना है तो मैं एक काम करता हूं आज ताजमहल बेच देता हूं सबसे बेस्ट रहेगा 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे या फिर लाल किला बेच दूं। क्या कहते हैं जनता क्या चाहती है क्या खरीदना चाहती है आप डिसाइड कीजिए भाई। क्या खरीदना चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग बताइए मुझे या फिर झारखंड के जंगलों को ही बेच दो। एक काम करो पूरा झारखंड बेच दो सबसे बेस्ट। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ भुवनेश्वर केवट साहब मौजूद हैं CPIML से। मेरे साथ अधिवक्ता सोनल तिवारी जी मौजूद हैं और मेरे साथ आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय टोप्पो साहब मौजूद हैं। साथ में मेरे साथ गढ़वा से न्यूज 11 भारत के मेरे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं और मेरे साथ गढ़वा के ही सामाजिक कार्यकर्ता शशांक द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले मैं भुवनेश्वर केवट साहब के पास आ रहा हूं। भुवनेश्वर केवट साहब भाई रजिस्ट्री का कुछ नियम होता है या कानून होता है? मतलब मैं जहां तक समझता हूं हो सकता है मुझे नहीं पता हो लेकिन क्या यह संभव है कि जिसकी जमीन है उसी को पता ना चले और किसी जमीन की रजिस्ट्री हो जाए? मतलब हो सकता है मैं अज्ञानी हूं इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन क्या यह जादुई करिश्मा हो सकता है झारखंड में? झारखंड में सब गोलमाल है। झारखंड में जल है जंगल है जमीन है खनिज है वो सभी चीजों की लूट अंधाधुंध जारी है और इस लूट के पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। उसमें भूमाफियाओं से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर के मंत्री से लेकर के राजनेताओं तक का एक बड़ा गठजोड़ है। अब जब इतना बड़ा अगर ताकतवर किस्म का गठजोड़ हो तो आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ संभव है। वन विभाग की जमीन जो है यानी CO वो जो है हस्तांतरण कर दे रहे हैं
आपका गर्मेजुर्वा जमीन की लूट पूरे झारखंड में सब जगह पर जो है ना वो चारों तरफ अंधाधुंध जारी है। पूरे झारखंड का जो हालात हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आपके पास ताकत है, आपके पास अगर बाहुबली है तो आप जहां चाहो वहां कब्जा कर लो। तो ये जमीन के जो मूल रैयत है, तो मूल रैयत को तो भाई जमीन के लोग जो है बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत अनपढ़ लोग हैं, किसी तरह से उस जमीन पे अपना जो तबाद करते हैं तो उसकी जीविका चलती है। अब उन लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है और ये जो नेक्सस में जो काम करने वाले जो गिरोह के जो सदस्य हैं वो सारे लोग मिल करके मूल रैयतों को पता तक नहीं होता है और सारा जमीन उनके हाथ से निकल जाता है। और झारखंड में जो खेल चल रहा है, अगर इस तरह का जो अंधाधुंध का जो दौर चल रहा है, अगर ये बंद नहीं हो तो झारखंड के अंदर में एक बड़ा यानी एकदम खूनी रंजिश वाला वो माहौल बनेगा, विधि व्यवस्था पूरी तरह से वो संकट में चला जाएगा। तो आप देखिए कि जिस तरह से ये भूमि कब्जा करने के सवाल पे, लूट के सवाल पर जो हत्याएं हो रही है, तो ये हमको लगता है कि ये झारखंड में एका दुक्का नहीं है। अभी कल ही वो तिलता में जो घटना हुई, इसी तरह से आप देखिए और मांझी की घटना है, कई ऐसे घटनाएं, मैं आपको बता दूं अगर आप गणित के ख्याल से देखेंगे तो हजारों ऐसे मौतें हुई है जिसका संबंध कहीं ना कहीं। कल तिलता की जिस घटना के आप जिक्र कर रहे हैं उसके ठीक पास में सिमलिया मौजा की ही एक जमीन है जिसको गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे, कोर्ट का आदेश हो चुका है कि भैया वहां पर आपका दखल है, डिग्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको थाना काम नहीं करने दे रहा है। आप सोच लीजिए कि ये स्थिति है। यही तो हम कह रहे हैं कि नीचे जो थाना जो है वो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके जेब खर्ची जो है बड़े भू माफियाओं के पैसे से चलती है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आशीष मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा मन है कि मैं गढ़वा का बंशीधर मंदिर खरीद लूं, कान्हा जी मेरे घर में रहेंगे, इससे बड़ा और खुशी की बात और क्या हो सकती है। जब फर्जी कागज पर ही खरीदना है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलना है, तो एक काम करता हूं मैं बंशीधर मंदिर खरीद लेता हूं। भाई वहां के लोगों के साथ जहां का हम खबर दिखा रहे हैं, वह क्या अनहर गांव का नाम शायद, जहां तक मुझे जानकारी है, तो वहां के लोगों के साथ भी यही हुआ भैया, इश्तेहार मिला तब पता चला कि हाँ भाई जमीन बिक गई है। अब वहां के लोगों का क्या मतलब कहना है, चूंकि मैं देख रहा था उनकी बाइट सुन रहा था, बहुत सीधे साधे लोग लग रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि अब उनको करना क्या है, थाना और अंचल से ज्यादा तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आशीष आशीष आपका आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सोनल तिवारी साहब हम तक, सोनल तिवारी जी की आवाज हम तक पहुंचेगी। सोनल तिवारी साहब, रजिस्ट्री केवाला ये जो शब्द है भाई, मतलब मैं ये समझना चाहता हूं ये कैसे संभव है। मतलब रजिस्ट्री अगर हुई होगी, आप सोचिए कि 117 एकड़ जमीन है, उसमें से कुछ जमीन जो है वो रामेश्वर जूट मिल के नाम से रजिस्ट्री हो गई, कुछ जमीन जो है वो हिंडालको के नाम से रजिस्ट्री होगी, तो क्या मतलब ऐसा कैसे संभव है कि जमीन मालिक को पता ही ना चले और रजिस्ट्री हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए। सबसे पहले तो आपको भी जोहार और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी जोहार जी। मेरा यही मानना है कि पिछली बार भी जब हम एक चर्चा में आए थे तो मेरा यही कहना है कि रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब ही नहीं है झारखंड में। जब सरकार कानून बनाती है, पता नहीं क्या सोच के कानून बनाती है, जब उनको ऐसे ही इलीगल ट्रांसफ़र करना है किसी भी ज़मीन को तो कानून की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर तो सीधा एक तरकीब होना चाहिए। झारखंड का एक बहुत पुराना कानून है, सबको पता है कि बिरसा मुंडा जी का एक रिबीलियन है, उसके तहत CNT एक्ट आया, SPT एक्ट आया। जब हम CNT एक्ट की बात कर रहे हैं तो CNT एक्ट क्लियरली बोलता है, उसके जितने भी प्रावधान हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, कोई भी ज़मीन को ट्रांसफ़र करना है, तो यू नीड रिटन परमिशन। हमको जो समझ में आ रहा है, हम इसके बारे में एक बार डिटेल डॉक्यूमेंट भी हम शायद एक बार चेक करें और उसके बारे में एक अलग से चर्चा हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक जो समझ में आ रहा है कि बिना DC के तो ये पॉसिबल नहीं है, बिना डिप्टी कलेक्टर, मतलब आप रजिस्ट्री जब करवाते हैं, मेरा सिंपल सा एक कितना सा सवाल है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, तो भाई रजिस्ट्री करवाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, एकदम चाहिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगे होंगे एकदम, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि जमीन मालिक को पता न चले वो डॉक्यूमेंट, इसका मतलब कि सारा चीज फर्जी वाले के आधार पर हुआ है। देखिए जब जमीन रजिस्ट्री होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल डीड, एक सेल डीड बनता है। केवाला के नाम से, केवाला से रजिस्ट्री हुई है, इसको क्या मतलब होता है? केवाला से मतलब है कि दोनों पार्टी के बीच एक रजिस्ट्री हुई है, और रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो भी बता देते हैं आपको कि रजिस्ट्रेशन एक्ट एक अलग है,
जो बोलता है कि कौन कौन से डीड रजिस्टर होंगे, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल डीड जो होता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होगा, मतलब किसी एक आदमी से दूसरे आदमी को जाएगा, तो वो रजिस्टर होना है। और रजिस्ट्री भर का भी आप जब जाएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस जब जाएंगे, तो देखते होंगे आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम लगता है। तो आप जो बता रहे हैं कि दूसरे पार्टी को पता ही नहीं है कि उसका जमीन किसी को ट्रांसफर हो चुका है, तब तो ये ऑब्वियसली इसका मतलब है कि सरासर इलीगल ट्रांसफर है, पता नहीं कौन से सिस्टम से काम हो रहा है। इसलिए अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इसमें लगभग 117 में आधी से ज्यादा जमीन आदिवासी जमीन है, आदिवासी कोरवा जनजाति की जमीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको लग रहा है कि इस पे जितना जल्दी हो सके वहाँ के लोग तुरंत का तुरंत शिकायत करें। कितने लोग इन्वॉल्व हैं वो तो बाद में पता चलेगा। आप ये भी बता रहे थे कि शायद फॉरेस्ट का भी जमीन इन्वॉल्व है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो सेक्शन 2 है वो क्लियरली बोलता है कि जो भी फॉरेस्ट डाइवर्सन होना है वो बिना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके परमिशन के डाइवर्सन हो ही नहीं सकता है। तो सीईओ हो जाए चाहे डीसी हो जाए, उसको तो पावर है ही नहीं ट्रांसफर करने का जब तक वो एक एप्लीकेशन नहीं देगा एमओईएफ को, और एमओईएफ उसमें पूरा एक डाटा देखेगी, पूरा चेक करती है। वो कम से कम 6-7 महीने का प्रोसेस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता है, स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा आपको, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा। मेरी जानकारी इसमें ये बता रही कि देखिए ये जमीन 2013-14 में बेची गई है, ठीक है, ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को और रामेश्वर जूट मिल, दो कंपनियां हैं, उनको बेची गई है, ठीक है। और 32 एकड़ जमीन जो है, ठीक है, इसमें ये कोरवा जनजाति की जमीन है, ठीक है, और बाकी जो बची हुई जमीन है 44 एकड़ के आसपास में, वो कुछ यादव लोगों की जमीन, ठीक है। अब कोरवा जनजाति तो आदिवासी जनजाति होती है, अजय टोपो साहब ये तो आदिवासी जनजाति, मतलब इनकी जमीन तो ऐसे खरीदी नहीं जा सकती जहां तक मैं समझ रहा हूँ। अजय टोपो साहब जी, देखिए आप बहुत अहम मुद्दे को हर दिन उठा रहे हैं आपके माध्यम से, और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको हमको लगता है होलिस्टिकली देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन चलता था जमीनें लूटी जाती थी, उस समय यहाँ के लोगों ने बहुत ऐसे वीर सपूत हुए, लड़े, शहीद हुए, और उसके बिना पर बहुत सारे ऐसे कानून बने, CNT हो, SPT हो, विल्किंसन रूल हो, इस तरह के बहुत सारे कानून बने। लेकिन आज स्वतंत्र भारत हो गए और उसके पश्चात आज़ादी के 75 साल के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके के काले कारनामे इस राज्य में जो है वो चरम पर पहुँच गए। आखिर इसके कारण क्या है, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा। हमको तो आज ये लगता है आदिवासी नेता सब कहाँ है भाई इस मामले पर, अगर वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा जी। मुझे जहां तक लगता है कि अगर यहाँ की जनता को हम देखें, झारखंड की जनता को देखें और यहाँ के मूलवासी समाज को हम देखें, तो आज उनके पास ऑप्शंस की बहुत कमी है। या तो कृषि में जाएंगे, गांव से निकल के हॉस्टलों में रहेंगे, या फिर लॉज में रहेंगे, किसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, नौकरी पर आश्रित होंगे। और आज ऐसी संभावनाएं बन गई हैं कि नौकरी की भी संभावनाएं जो है कम होती जा रही है। उस तरफ से जो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आज जमीन को एक उद्योग के रूप में अपना लिए हैं, और उनको एक रास्ता लगता है कि जमीन बेचो, उसका जो है कारोबार करो, आसानी से पैसा कमाओ, ये एक धंधा सा बन चुका है। और इसमें लगाम लगाने वाला जो है कोई कानून झारखंड में शायद नहीं बन पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ तो हमको लगता है सरकारी तंत्र से लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, चाहे वो HEC की बात हो, आज HEC को आप देख लीजिए, उसके जमीन को जो है अधिग्रहण किया गया, और यहाँ के जो मूलवासी समाज के लोग हुए आज भी वहां पर बोल रहे हैं कि हमको पट्टे का अधिकार होना चाहिए, और उनके पास जमीन का कागजात नहीं है कि वो वहाँ के स्थानीय को अपने आप को परिभाषित करवा सके, या फिर यहाँ के कास्ट में ST या फिर ST जो है वो बता सके कि हम ST हैं या फिर ST है। तो एक तरफ तो सरकारी जो नियम है उसके खिलाफ में वो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी गुहार उनकी नहीं सुनी जा रही, दूसरे तरफ एक जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इलीगल तरीके से उनकी जमीन की लूट भी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है, इसके लिए हमको लगता है कि होलिस्टिकली एक अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से होलिस्टिकली विकास हो यहाँ के लोगों की, उसको समझने की हमें जरूरत है। अभी आप देखें, अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन तो ली जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर क्या हो रहा है। अगर सरकारी तंत्र की बात करें तो लैंड बैंक बनाया गया, तमाम भूमि ली गई, HEC हुए, BSL हुए, इस तरीके के जमीन टाटा हुए, इस तरीके की जमीन को ली गई, लेकिन वहां के लोगों को जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम अगर भूटान की बात करें तो भूटान में एक छोटा कंट्री होके भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे एक पैरामीटर को दिया कि वहां के लोग वहां के शासन से कितने खुश हैं। अगर झारखंडी मूल के लोगों को देखेंगे जो बहुत संघर्ष के बाद झारखंड राज्य का निर्माण करवाए, अगर उनको आप हैप्पीनेस के पैमाने पर नापेंगे तो शायद हमको लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो झारखंड गठन से खुश होंगे, जो या यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रहा है उससे खुश होंगे। तो यहाँ पर शासन किसकी भी रही हो,
लेकिन झारखंड गठन के पश्चात से जो जमीन का जो यहाँ पर कारोबार है और जो अवैध हस्तांतरण हो रहा है ये तेजी गति से बढ़ रहा है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए मेरे सहयोगी गढ़वा से जुड़े हुए हैं आशीष, मैं एक बार उनका रुख कर रहा हूँ क्योंकि गढ़वा में क्या चल रहा है मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फेसबुक पर मैं एक कमेंट दे रहा हूँ, सुशांतो मुखर्जी साहब उन्होंने कमेंट किया है कि देखिए उन्होंने खोजा है लेकिन जमीन बिकी नहीं है, ऐसा सुशांतो दा कह रहे हैं। आशीष मेरे सहयोगी मौजूद हैं, मैं एक बार उन्हीं से बात कर लेता हूँ। आशीष क्या ये जमीन बिक गई है? चूंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 2013-14 में ये जमीन बिक गई है। ठीक है भाई, कुछ का म्यूटेशन हो गया, कुछ में नामांतरण नहीं हुआ है, नामांतरण के जो एडवर्टीजमेंट है जो इश्तिहार है वो आया तब जाकर के लोगों को पता चला, हालांकि कुछ लोगों को पहले से पता था। तो दो चार पॉइंट्स हैं आशीष जी से हम समझना चाहते हैं। पहली चीज कि इसमें से कुछ जमीन तो आदिवासी जमीन है, आखिर आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई मालिकों को पता ही नहीं चला तो आखिर इस जमीन की रजिस्ट्री करने वाले कौन है, किसने रजिस्ट्री की है, तो आपकी तहकीकात क्या कहती है वहां पर, अब तक आपको क्या समझ में आया आशीष? देखिए अब शेख, मैं उस गांव में जब गया तो स्थानीय लोगों ने बताया कि जब इश्तहार आता है सीओ के द्वारा और वो जो आपका कंपनी है जो चंदवा में कंपनी है डालमिया हिंडाल्को कंपनी है, ये एसआर ग्रुप, ये हिंडाल्को जो कंपनी था इसके पहले वो एसआर ग्रुप का था वो कंपनी, उसके बाद हिंडाल्को कंपनी को लेता है और लेने के बाद जिस समय एसआर था 2013-14 में उसी समय इस जमीन को खरीद लिया गया था बिचौलियों के द्वारा। उसके बाद जब हिंडाल्को आई, हिंडाल्को अपना अधिग्रहण करने के लिए सीओ के द्वारा अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसके पास, जमीन जो रजिस्ट्री हुआ था उसका डॉक्यूमेंट्स भेजा गया और जो डॉक्यूमेंट्स गया उसके बाद जो गाँव में एक इश्तेहार भेजते हैं चौकीदार के द्वारा, इसके पास गांव वालों ने खुद हड़कंप मच जाता है और गांव वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें उम्मीद है क्योंकि न्यूज जिले को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है तो स्थानीय लोगों ने कहा कि बस एक उम्मीद हमारी है तो न्यूज 11 के साथ है, क्योंकि न तो आदिवासी को नेता आ रहा है सामने, क्योंकि 2013-14 का मामला है। अभिषेक ये सोचने वाली बात है कि अब तो कोई नहीं आया, प्रशासन मौन है, कहीं ना कहीं काफी दुखद मामला है और स्थानीय लोग की शिक्षा सबसे ज्यादा है उस गाँव में, वो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तीन तरफ से नदी है, एक ही रास्ता है जो बसता है, उस नदी में भी पुल नहीं है और अब उस गांव में जाएंगे तो जो फिलहाल मैं कल झेला या आज जो झेला स्थिति है कि अगर नदी में बाढ़ आ जाएगी तो चारों तरफ से टापू बन जाता है वो एरिया। और उस गांव में जो भी लोग हैं, मैं पूरा गाँव का बात करता हूँ कि 117 acres 39 decibels में पूरा गाँव जो है वो सूख जाता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आशीष, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आशीष, बहुत शुक्रिया। देखिए गेस्ट हमारे मौजूद हैं, आप देखिए इस चीज को, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, दिल्ली से क्रोनोलॉजी समझाई जाती है, मैं रांची में बैठ करके क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ कि एक ऐसा गांव है आदिवासी बहुल गांव है, कोरवा जनजाति के बहुत सारे लोग हैं वहां पर, जैसा कि आशीष बता रहे थे कि तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ गाँव है, नदी के ऊपर पुल भी नहीं है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गाँव है, मतलब चुना कैसा गाँव गया आप देखिए। इस गांव के लोगों को, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि भाई जाएं कहां, किसके पास जाकर के फरियाद करें। आज हमारे पैनल में मैंने अधिवक्ता को बुलाया है, इसी कारण से बुलाया है कि मतलब लोगों को उनका अधिकार पता होना चाहिए। रांची में बैठे अभिषेक भारती का भी वही अधिकार है जो उमेश कोरवा का गढ़वा में बैठे हुए शख्स का अधिकार है, लेकिन उमेश कोरवा को पता ही नहीं है कि उसका अधिकार क्या है। भुवनेश्वर केवट साहब, आप इस चीज को देखिए, हिंडाल्को रामेश्वर जूट मिल को जो जमीन बेची गई है वो ऐसी जगह पर बेची गई है जहां सड़क तक नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप रातू अंचल, नामकुम अंचल, कांके अंचल, इनकी बात हम लोग करते हैं लेकिन गढ़वा के इस रंका प्रखंड की, ठीक है, टंडवा प्रखंड की, चतरा के टंडवा प्रखंड की, चतरा के मयूरहंड प्रखंड की, इनकी बात वहां पर ज्यादा गड़बड़ी है। अगर एक बार झारखंड के हम मतलब घूमने के लिए हम निकलेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा खेला नजर आएगा रांची शहर के मुकाबले। केवट साहब जी, आप जो कह रहे हैं वो तो जो भूमाफिया जो है तो उनके दिमाग बहुत कमजोर नहीं है, वो काफी दूरदर्शी है और वो देखते हैं कि कहां हमको ज्यादा जो है प्रोटेस्ट लोग नहीं करेंगे, तो सबसे जहां गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और ऐसे लोग जहां बहुत भोले भाले लोग हैं, जहां बहुत विरोध नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही जगहों को लोग टारगेट करते हैं। और मैं सिर्फ गढ़वा की बात नहीं करता हूं, अगर आप देखिए तो झारखंड के अंदर में 36,000 acres से ज्यादा जमीन आदिवासियों की जमीन इसी तरह से फर्जी कागजातों के जरिए वो हस्तांतरण हो गया है। तो आपको ये बता दूं कि इस तरह का जो खेला चल रहा है ना वो तो सबसे बढ़िया है, सोसाइटी के नाम पर
कुछ कोऑपरेटिव बना लो कमिटी के नाम, और हर लोग चाहे वो उपायुक्त हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हो, ये सभी लोग अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके वो हमेशा जमीन जो है लोगों से लूटने का काम किया है, और इस लूट को वैधता प्रदान करने के लिए वो समय समय पर कई तरह के कायदे कानून लोग बनाते रहते हैं। तो अभी जो हम लोग जो सीन देख रहे हैं कि झारखंड में आप देखिए तो जमीन सिर्फ वो टुकड़ा नहीं है, जमीन के साथ लोगों का पूरा भविष्य का पूरा सारोकार जुड़ा हुआ है, उसकी परंपरा पहचान वो सारे सवाल उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इस पर अगर पाबंदी नहीं लगी आने वाले दिनों में, सरकार इसके लिए कुछ तो एक्ट बना रही है, कुछ नियम कायदे कानून बन रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो माफियाओं के सामने वो सारे के सारे शिथिल हो जा रहे हैं, उस पर कोई जो है। देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विद्युत महतो है सरायकेला से, हमारे फेसबुक पर उन्होंने एक मैसेज किया, मैं यहाँ पर बता दूं, विद्युत जी आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, मेरे ध्यान में आपका मामला अब आपने बता दिया है। मैं विद्युत महतो पिता पुइतू महतो डिंडली बस्ती आदित्यपुर जिला सरायकेला खरसावां गम्हरिया अंचल के तहत रहने वाला हूँ। सर्कल ऑफिसर रजिस्टर 2 के अनुसार 11 डिसमिल, 107 डिसमिल, 3.5 डिसमिल और 5 डिसमिल, 7.60 डिसमिल मेरे पिता के खाता से दूसरों को बिक्री की गई, ठीक है। लेकिन रजिस्टर 2 में नाम ही नहीं है, 48 डिसमिल का उत्तराधिकारी और नामांतरण भी हो गया इसका। तो बताइए ऐसे ऐसे केसेस तो यहाँ पर हो रहे हैं। यही है कि वो जो हालात बन गया कि खाता ना वही जो मालिक कहे वो सही। अब आप देखिए बदलेगा नहीं क्या कुछ? अब तो झारखंड में जो है गुलगुलान की जरूरत है, जो उसके मूल रैयत है, जिनके पास कागजात है, जिनकी जमीन है, अब वो डरे और सहमे हुए है, और जो भूमाफिया है पूरा खुलेआम जो है आतंक और दहशत वो मचाए हुए है, वो हर जगह पे देखिए तो वैसे लोग जो है ना पूरा कमजोर पड़ रहे हैं। जिनके पास जमीन है अब वो सुरक्षा मांग रहे हैं, और वो जो बाहुबली लोग हैं उनके ऊपर पूरा दबंगई बनाए हुए हैं। अजय टोपो साहब, अब क्या करने की जरूरत है, मतलब कैसे क्या करें हम लोग? अब ऐसे तो घर में सोए हुए आदमी की जमीन बिक जाएगी तो फिर क्या कर सकता है वो? जी आपने बहुत सही सवाल कहा है, और ये केवल दूरवर्ती इलाकों की बात नहीं है, गढ़वा की ही बात नहीं, रांची के समीप में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि लोग त्रसित है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मैं बता दूं कि न्यायपालिका के द्वारा दखल दिहानी के कई मामले दिए गए, लेकिन आज तक उनको जो है दखल नहीं मिला। तो ये भी एक सोचने की बात है कि न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका भी पालन, उस एग्जीक्यूशन उस स्तर तक नहीं हो पा रहा, जिसके चलते लोगों में एक जो है निराशा की भावना है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। तो मैं इसको इसीलिए बोल रहा था कि एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके के गोरख धंधे जो हो रहे हैं उसको रोका जाए। तो इसमें तो कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है। देखिए हमारे विधानसभा में हमारे बहुत सारे विधायक जाते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई से वहां पर चर्चाएं होती है, लेकिन चर्चाएं किस तरह की होती है वो आप भी जानते हैं, पूरे झारखंड की जनता भी जानती है इस बात को। इस बात को लेकर कभी चर्चा नहीं होती कि जमीन की जो जो इस तरीके अवैध धंधा जो चल रहा है, कारोबार चल रहा है, इसको किस तरीके से रोका जाए। इस दिशा में हम लोगों ने बहुत पहल उठाने का कोशिश किया है और इस बात को रखा है कि हमने पिछले जब आप इंटरव्यू के लिए हमें बुलाए थे यहाँ पर, जो डिबेट के लिए आप बुलाए थे, तो उस बार में हमने कहा था कि अवसर की समानता की बात तो होती है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात होती है, लेकिन आज अगर आदिवासियों की बात करें या फिर मूलवासी समाज की बात करें या फिर झारखंडी समाज की बात करें, तो उनको देखेंगे कि अवसर की समानता नौकरी में कहीं हद तक मिल रही है आर्टिकल 64 के तहत, लेकिन अगर बिजनेस की तरफ देखें तो आप, हम बोले थे कि आप एल्बर्ट एक्का चौक को देखिए, वहां फिरालाल मार्केट को देखिए और बगल में चडरी को आप देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह जो है मूलभूत सुविधा के लिए भी लोग तरस रहे हैं और दूसरी ओर जो है लोग जो है गाढ़ी कमाई कमा रहे हैं। तो ये तरह का एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस है, बहुत बड़ा गैप है जिसको पाटने की जरूरत है। इकोसिस्टम जो है ना वो इकोसिस्टम गड़बड़ है। हमारे साथ आप बने रहिए, अजय जी बने रहे, भुवनेश्वर जी बने रहे, सोनल जी बने रहे। इस मुद्दे में अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी चर्चा बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा, ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच ये कह रहा हूं कि भाई मेरा बड़ा मन है कि मैं पूरी रांची बेच दूं। अगर फर्जी कागजात के आधार पर ही बेचनी है तो भाई बेच ही सकता हूं। सोनल तिवारी अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद है। सोनल तिवारी जी, भाई हिंडाल्को अगर
117 एकड़ है हिंडालको और रामेश्वर जूट मिल फर्जी कागजों के आधार पर खरीद सकता है, तो मैं रांची भी तो बेच सकता हूँ, ये भी खरीदी जा सकती है उन्हीं फर्जी कागजों के आधार पर? एकदम आप तो कोई नहीं, चार पैसे मैं भी कमाऊं, सिर्फ ये भूमाफिया ही है, दलाली क्यों कमाए? एक एक मूवी आया था जिसमें ताजमहल बेचने का बात हुआ था, बंटी और बबली तो वैसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बंटी और बबली लोगों को पता है ना कि बंटी बबली चोर हैं, वैसे ही हमें पता चलना चाहिए कि हिंडाल्को और जो भी कंपनी ने खरीदा बिक्री किया है और अगर गलत है तो ऑब्वियसली चोर है। मतलब आप सोचिए ना, हिंडाल्को ने जमीन खरीदने से पहले चेक तो किया होगा ना, रामेश्वर जूट मिल ने चेक तो किया होगा, ये सिर्फ ऐसे ही जमीन खरीद लेते हैं, ये लोग आदिवासी जमीन है, इसको भी खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। और सबसे बड़ी चीज है, मैं सोनल तिवारी साहब आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, वहां जो उस जमीन पर मौजूद लोग हैं उनके पास ऑप्शन क्या है? मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। कल मेरे साथ एक मित्र बैठे थे यहाँ सामने में, जहां पर अभी अजय जी बैठे हुए हैं वहां पर एक मित्र बैठे थे, उनका नाम था चंदन भगत, टाइटल सूट सिमलिया के तहत उनकी एक जमीन है, एक एकड़ कुछ डिसमिल की जमीन है, सामने में मेकॉन की एक कमेटी है, ठीक है, तीनों लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, समझिएगा। अब कोर्ट ने आदेश, टाइटल सूट में उनके उनकी डिग्री आ गई है, इसके बावजूद उन्हें जमीन पर काम नहीं करने दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि भाई आप जाइए, कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर या ऐसा कुछ होता है वो लेकर के आइए, उसके बाद काम करने दिया जाएगा। अब वो बोल रहा है कि भाई जब डिग्री हो गई है तो उसके बाद ये कौन कौन सा ऑर्डर आप बोल रहे हैं मुझे काम करने दीजिए, ना थाना काम करने दे रहा है, ना अंचल काम करने दे रहा है, सब मतलब उनको। तो भाई ये तो रांची शहर की हालत, तो आप सोचिए कि गढ़वा में रंका अंचल के तहत ये कौन सा हरवा गांव है, वहां के लोगों के पास क्या कोई ऑप्शन बचता है, या फिर हम देखते रहेंगे ऐसे, वो लोग भी देखते रहेंगे ऐसे। पहले थोड़ा सा बस चंदन जी वाला जो मैटर है उस पर हम थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। मेरे ख्याल से सही है जो सरकार की तरफ से जो बोला जा रहा है कि अभी आप नहीं काम कर सकते हैं, वो एक तरीके से सही है, क्योंकि जब कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास करती है उसके बाद अलग से हमें एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। वो इसलिए फाइल करना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए अभी तो लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक टाइटल सूट का ऑर्डर होगा, है ना, इसके बाद भी तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां भी अपील फाइल कर सकते हैं, तो हो सकता है जो पार्टी हारा है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट गया होगा या किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखना चाहता है, तो उनको एक समय मिलता है, लिमिटेशन पीरियड मिलता है कि आप एक साल दो साल आपके पास समय है, अगर आप दो साल तक कुछ नहीं करते हैं तो हम फिर एग्जीक्यूशन या जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो वो सही है कि आपको एग्जीक्यूशन पास करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूशन इसलिए भी पास करना पड़ेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन पास करने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां पे आपको काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा, एक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा, वो जाएगा, अगर कोई अंदाजी आदमी घुसा हुआ है उस जमीन पे तो उसको हटाया जाएगा, मजिस्ट्रेट रहेगा सामने, पुलिस थाना सामने खड़ी रहेगी और तब उसको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम गए और हमारे हाथ में ऑर्डर है तो हम उसके घर में जाएंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, ये नहीं कर सकते। अब हम आते हैं गढ़वा वाले मुद्दे पे। गढ़वा वाले मुद्दे में अभी जो मेरे समझ में आ रहा है, जो भी हम आज तक कानून पढ़े हैं उसके तहत में, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, कंपनी को अगर जमीन चाहिए किसी भी चीज के लिए तो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, 2013 का बहुत सुंदर कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट लैंड एक्ट 2013 है, बहुत अच्छा कानून है, जब आप उसको पढ़िएगा उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि कब सरकार जमीन अक्वायर कर सकती है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कब प्राइवेट कंपनी जमीन अक्वायर कर सकती है, और अगर प्राइवेट कंपनी को जमीन अक्वायर करना है तो क्या क्या कंडीशन है वो भी सेक्शन 2 में मेंशन किया हुआ है। प्राइवेट कंपनी का उन्होंने लिखा है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए जमीन एक्विजिशन कर सकती है बट विथ अ कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब मान लीजिए कि अगर वो गांव है, गांव में 100 परिवार है तो 80 परिवार की सहमति चाहिए। और मेरा इस पे और एक चीज हम आपको बताएंगे जो बहुत मजेदार है और हमको लगता है समझना चाहिए बाकी लोगों को, कि जब हम बोलते हैं कि ये लोग अफेक्टेड आदमी है, मान लीजिए कि अभी जैसे अगर प्रभावित आदमी है, मान लीजिए अगर ये जो कंपनी थी हिंडाल्को जो कंपनी है वो एक लीगल तरीके से अंडर दिस कानून, अंडर 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत अगर लैंड एक्विजिशन के लिए जाती वहां पे तो वो पहले डीसी को चिट्ठी देती और डीसी स्टार्ट करता है एक्विजिशन। प्राइवेट कंपनी का एक्विजिशन बंद हो चुका है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्ट जाके एक्विजिशन करे बड़े बड़े प्लॉट्स को, ये अब अलाउड नहीं है। अच्छा। ये पूरा आप अगर झारखंड का रूल्स पढ़ेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 5000 हेक्टेयर से कम का डीसी के पास प्रावधान है, और अगर 5000 एकड़ से हेक्टेयर या एकड़ है उससे ज्यादा है तो उसमें डायरेक्टली सरकार, मतलब डिपार्टमेंट जो लैंड एक्विजिशन का डिपार्टमेंट है, वो डायरेक्ट एक्विजिशन करती है।
उसके बाद क्या होता है जो बहुत मजेदार है, मान लीजिए कि हमने एक चिट्ठी दे दिया, डीसी क्या करेगा, डीसी उसके बाद एक सेक्शन 11 का नोटिफिकेशन इशू करेगा सारे अफेक्टेड लैंड ओनर्स को, सारे प्रभावित लोगों को। इसमें बहुत मजेदार चीज क्या है ना कि प्रभावित लोगों का अगर आप डेफिनेशन पढ़िएगा ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। प्रभावित लोगों में बस ये मतलब नहीं है कि जिनका जमीन जा रहा है, मान लीजिए कि उस जमीन में मेरा वो जमीन नहीं था, वो भुवनेश्वर जी का जमीन था, लेकिन हम 10 साल से खेती कर रहे थे, तो आप हमको अफेक्टेड काउंट नहीं करिएगा, हम भी तो अफेक्टेड आदमी हुए ना। हो सकता है भुवनेश्वर जी के जमीन में एक तालाब, वो नियम ऐसे लोगों को भी काउंट करता है, एकदम काउंट करता है। अगर भुवनेश्वर जी के जमीन में एक तालाब था और उस तालाब में हम फिशिंग करते थे और उस फिशिंग से मेरा घर परिवार चलता था, तब भी हम अफेक्टेड आदमी है, आप हमको भी काउंट करेंगे। बस आप एक जो जिनका जमीन जा रहा है आप उनको काउंट करके नहीं बोल सकते हैं कि अफेक्टेड ओनर का काम खत्म हो गया। ये सब नहीं करना, और ये सब से बचने के लिए सारी कंपनियां आजकल क्या करती हैं, डायरेक्ट एग्रीमेंट, पता नहीं कौन सा साथ सीख लिया, लीज एग्रीमेंट कर, जैसे यहां हुआ है, लीज एग्रीमेंट 25 साल का लीज एग्रीमेंट होगा। ये जो पेपर आप दिखा रहे हैं ना, आप लोहरदग्गा चले जाइए, लोहरदग्गा में बॉक्साइट का इतना बड़ा खनन होता है, इतना बड़ा बड़ा खनन होता है, हमको दिखा दीजिए कि वहां पे कहां पे एक भी डीड ट्रांसफर का पेपर है, सब लीज एग्रीमेंट पे चल रहा है। आप कैसे 25 साल का लीज कर रहे हैं इसमें। और एक चीज जो बहुत मजेदार बताएंगे कि रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट से भी बचना है हमको। 2013 का कानून क्या बोलता है कि अगर हम जमीन ले रहे हैं तो आपको हमको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, अगर आदिवासी जमीन है तो दुगना देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, मुआवजा के अलावा नौकरी का अगर प्रावधान है तो वो भी देना पड़ेगा। उससे भी बड़ा बात, मल्टी क्रॉप इरीगेटेड लैंड सेक्शन 11 अगर पढ़िएगा, मल्टी क्रॉप इरीगेटेड लैंड का मतलब है बहुफसला जमीन। अब जो आप गढ़वा में जमीन बता रहे हैं ना, हम आपको चैलेंज दे देते हैं, अगर तीनों साइड नदी है तो बहुफसला होगा, 12 का 12 महीना खेती करता होगा लोग वहां, वैसा जमीन का एक्विजिशन है ही नहीं। सेक्शन 11 पढ़िएगा अगर आप अभिषेक जी, उसमें लिखा हुआ है कि बहुफसला जमीन एकदम लास्ट टू लास्ट, कोई ऑप्शन नहीं है तब उस जमीन को लेंगे। और उसी में यह बात भी लिखा हुआ है कि अगर एससी एसटी का जमीन है वो भी एक लास्ट रिसोर्ट होगा, आप फर्स्ट रिसोर्ट में ही आप बोलेंगे कि हम आदिवासी का ही जमीन ले लें तो वो सरासर गलत, सरासर गलत। सेक्शन 11 के बाद क्या होता है सर कि एक सेक्शन 19 का नोटिफिकेशन बनता है जिसमें फाइनली वो लोग अवार्ड, सेक्शन 29-30 जो है वो एक पूरा प्रोविजन है उस कानून के तहत वो है। और उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए आप जो बता रहे हैं ना कि हस्तांतरण हो गया है या लीज एग्रीमेंट किया गया है और लोगों को पता नहीं है, इसी से बचने के लिए सब किया गया है ताकि उनको ये सब कानून से मतलब ही नहीं हो। अगर उनको कुछ दिखाना है, क्या लगता है झारखंड का एक आम आदिवासी इतने नियम कानून समझ पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। जैसा है हमारे लॉयर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया है और ये बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस धड़ल्ले से जो ये कारोबार हो रहा है और लोग त्रसित हो जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो इसमें हमको ये लगता है कि आप देखिए कि यहाँ के मूलवासी का, झारखंडी का स्थिति क्या है। अगर आप रांची में ही आप देखेंगे, आप राजीव विधानसभा के अगल बगल देख लिए लीजिए, हिनू में हिनू बस्ती का हाल देख लीजिए, एयरपोर्ट विस्थापित का हाल देख लीजिए, HEC के 32 विस्थापित गाँवों का हाल देख लीजिए, सारे गाँवों का आप हाल देखेंगे तो लोग वहाँ गरीब हैं। और सरकार भी इस बात को जानती है और वो बार बार इस बात को बोलती है कि यहाँ के जमीन मालिक, यहाँ के जो रैयत हैं, वो रिक्शा चलाने के लिए आज यहाँ पे मजबूर है। तो अगर रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है तो आज 21 साल होने जा रहा है झारखंड गठन के पश्चात में, तो क्या उसके लिए नीति बनाने की जरूरत नहीं है? तो इन गंभीर मुद्दों को लेकर कभी भी हमको लगता है कि चर्चा उस सार्थकता से नहीं होती जिसके कारण यहाँ के लोग जो है मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका नहीं हो रहा है। या तो वो आप रोटी रोजगार की बात करें या फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसकी बात करें। आज देखिए, आज धोती साड़ी योजना की बात तो होती है इस झारखंड राज्य में, लेकिन यही वो राज्य है जो 40% से ज्यादा खनिज पूरे भारतवर्ष को देता है। और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2400 जिला की अगर हम बात करें तो हर जिला में आप देखेंगे तो कम से कम 24-30% लोग गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। तो ये सोचने की बात है कि जो राज्य 45% खरीद देता है, वन संपदा से परिपूर्ण है, सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो ऐसी कौन सी ऐसी अवस्था हो गई कि यहाँ के लोग की जो दशा बनी हुई है वो सुधर नहीं रही है? नंगे बदन वीर बिरसा मुंडा भी लड़ते थे, वीर बुद्ध भगत भी लड़ते थे, सिद्धू कानू भी लड़ते थे, शेख भिखारी भी लड़ते थे, गणपत राय भी लड़ते थे, सारे लोग लड़ते थे अपने मूलभूत अधिकार के लिए। लेकिन आज भारत के स्वतंत्रता के बाद
देखिए राज्यों की एक भी अगर बात करें तो आज बहुत सारे राज्य को लेकर बात होती है। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ, उसके पहले वो उड़ीसा में होता था। हर राज्य की एक एस्पिरेशंस होती है, हर देश की एक एस्पिरेशंस होती है। उस एस्पिरेशंस को समझा जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, किस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ, किस उद्देश्य से देश आजाद हुआ, वो सारी बातों को समझने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर खाली पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, और उसके अलावा एक दिशा जो सार्थकता दिशा में बढ़नी चाहिए और जो रोड मैप होना चाहिए। आज तो हम बोल रहे हैं इस बात को और हमको ये महसूस हो रहा है कि आज आज स्टूडेंट की स्थिति को देखिए, आज आप किसान की स्थिति को देखिए और यहाँ के मूल रैयतों की स्थिति को देखिए, आपको बहुत बड़ा तकलीफ लगेगा कि उसका हालत जो है बद से बद हाल हर दिन होते जा रहा है। और हमको लगता है कि अगर हम चडरी की ही बात किए तो आप देखिए कि सबसे बड़ा कमर्शियल इलाका पूरे झारखंड में अगर होगा तो फिरायालाल का चौक होगा, और वो बहुत दिनों से हम बचपन से जान रहे फिरायालाल चौक। लेकिन वहां चडरी को आप देखिए, वहां के आसपास कोनका मोजा के लोगों को देखिए, आप देखिए उसकी स्थिति क्या है। तो इसको सुधारेगा कौन, सुधरेगा कैसे? तो आप देखिए कि यहाँ के लोग जो है व्यापार में कहीं भी आगे नहीं जा पाए, यहाँ के लोग जो है कृषि के अलावा नौकरी के अलावा कोई भी ऑप्शन उसके पास खुला हुआ नहीं है। तो इसके लिए सोचेगा कौन और इसके लिए नियम कौन बनाएगा, किस दिशा में बनेगा? अभी जो है सार्थकता से जो है अभी की सरकार जो है जो जो CNT के जमीन होती है या फिर SPT की जो जमीन होती है उस पर भी लोन की बात हो रही है, लेकिन ये कब हो पाएगा? क्योंकि विगत बहुत सालों से इसकी चर्चा हो रही है लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो कहाँ पे ये अड़चन है मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारे के नियम को अपनाया है और अपने राज्यों के लोगों के हित के लिए बहुत सारे कदम को उठाया, लेकिन आज इतने 500 करोड़ का जो विधानसभा बन जाता है और वहाँ पे लोग जमीन देते हैं और वहाँ पे जो है वहाँ पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा के बावजूद भी कोई निचोड़ निकल के नहीं आ रहा है। इसको कैसे रोका जाए? हर दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि ये कारोबार तो हो रहा है जमीन का, और इसके अलावे जो है मर्डर भी हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो ये भी एक मानव संसाधन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस नुकसान को किस तरीके से रोका जाए, ये जो मानसिकता लोगों की बनती जा रही है इसको किस तरीके से सही ट्रैक में लाया जाए, ये शासन व्यवस्था का ही कर्तव्य है हमको लगता है। और हम लोग बहुत शिद्दत से सरकारों को चुनते हैं, लेकिन हर सरकारों में जो है लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई की करते रहते हैं, और लोकतांत्रिक देश में इस तरह का दृश्य देखना बहुत व्यतीत करता है कि आज एक बच्चा जो है खाना के लिए तरस रहा है, एक किसान जो है पानी के लिए तरस रहा है, एक स्टूडेंट जो है नौकरी के लिए तरस रहा है, लेकिन कोई भी इस दिशा में सही पहल नहीं कर पा रहा। भुवनेश्वर जी, सबसे बड़ी चीज मुझे जो समझ में आता है, जैसे अब इसी को देख लीजिए, तो ये असल में लाल फीताशाही जो हावी होती है ना, अब जैसे रजिस्ट्री हुई है केवाला के माध्यम से रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, लेकिन ये देखने का काम किसका था भाई? अधिकारियों का है। देखने का काम जिनको है वो देखते नहीं है, और नहीं देखने के लिए ही वो बहुत सारा जो है ना खेला अंदर अंदर चलता रहता है। हम ये कह रहे हैं कि विभिन्न तरह की जो कंपनियां जो जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो ये अधिग्रहण के बहुत सारे तौर तरीके हैं, और हमको लगता है कि झारखंड में तो कम से कम ऐसा नहीं है कि वो नियम कायदे कानून नहीं बने हुए। यहाँ तो अधिग्रहण नहीं, यहाँ तो बाकायदा खरीदी गई है जमीन। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं कि बहुत सारे नियम है, तो सारे नियमों का जो है ना वो धड़ल्ले से धजिया उड़ाई जा रही है। आप देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी कहीं पे अपना प्लांट लगाएगी तो उसमें एक सामाजिक प्रभाव का आकलन जो सबसे बड़ी चीज होती है, अगर उसमें मसना है, अगर उसमें कब्रिस्तान है, उसमें अखड़ा है, और ये जहां जमीन अधिग्रहण की जाती है उसका वहां के सामाजिक प्रभाव दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसके आकलन के लिए समितियां बनती है, कमेटी उसके लिए काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है वो आपको जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की अनुमति वाला मसला है, लेकिन आप देखिए तो ग्राम सभा के लिए जो पंचायत नियमावली है, अब दूसरे तरीके से सरकार उसमें बदलाव करके ग्राम सभा के जो पावर्स हैं तो उसके पांव कतर देते हैं, उसके पर कतर दिए जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी नियम कायदे कानून है वो सब दिखने दिखाने के लिए चीज है। मतलब हिंडालको जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है वो, मतलब कम से कम इतनी 30 एकड़ 40 एकड़ जमीन अगर वो खरीद रही है तो खरीदने से पहले उसके कुछ तो प्रतिनिधि जाकर के देखेंगे कि भैया इस जमीन का इतिहास क्या है, किसकी जमीन क्या है, या उसके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। ये तो मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड और पूरे देश के अंदर में वो कंपनी राज जो है
वो पूरी तरह से स्थापित होती जा रही है। कंपनियों का जो प्राधिकार है अब सरकारों को भी वो चुनौती देना स्टार्ट कर दिया है। सरकार वही काम करती है जो कंपनियां चाहती है, कहां कौन से नियम बनेंगे, कौन से नियम शिथिल कर दिए जाएंगे वो कंपनियों के दबाव पर निर्भर कर रहा है। आप एक छोटा सा देख लीजिए तो ये गोडा का जो पावर प्लांट बना अडानी प्रोजेक्ट का, उसमें है कि जहां पर भी कोई उत्पादन होगा तो 25% जो है वो उत्पादन का लाभ जो है स्थानीय लोगों को, वो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर के परिधि के लोगों को मिलेगा। लेकिन अब उसमें बदलाव हो गए तो कहने के लिए बहुत सारे चीजें हैं लेकिन काम ठीक उसके उल्टा होता है। इसीलिए आज के समय में मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। सरकार के पास पावर है और सरकार को ही ये गारंटी करना पड़ेगा कि झारखंड के चाहे आदिवासियों का हो चाहे वो मूलवासियों का है, उसके भूमि संरक्षण के लिए जो कानून बने हुए हैं। अब सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात करिए तो सीएनटी एसपीटी एक्ट में अब बदलाव के लिए जो है ना वो कई नियम बन जा रहे हैं। तो अगर किसी भी तरह से अगर सीएनटी एक्ट में कोई बदलाव हुआ, अगर थोड़ा भी छेद मिला, तो हम आपको बता दें कि झारखंड में जमीन लूट का एक बड़ा विशाल जो है ना एक वो रिकॉर्ड बन जाएगा और उस दौर में कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। और झारखंड के अंदर में एक विद्रोह, फिर वो बिरसा का विद्रोह, फिर वो सिद्धू कानू का विद्रोह, फिर बुधू भगत का जो किसान विद्रोह का जो था फिर से खड़ा होगा और सरकार मूकदर्शक की भूमिका में रहेगी। मुझे लगता है समय रहते इस पर पूरी तरह से जो है पाबंदी लगाई जानी चाहिए, अन्यथा पूरी अराजकता के दलदल में सारी चीजें चली जाएगी। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया भुवनेश्वर केवट साहब, बहुत शुक्रिया सोनल तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया अजय टोप्पो साहब। इसमें एक एक चीज बस हम जोड़ दें। जी जी बिल्कुल, जितने भी दर्शक जो गढ़वा से देख रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से उनके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो अगर समझ पाए कि देखिए जब हम कोई भी जमीन का ट्रांसफर होता है दो पार्टी होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी बोला गया है कि हो सकता है जब ट्रांसफर किया जाता है ना तो आपको बहुत बार डरा धमका के किया जाता है, कंपनी आपको अच्छे से बताएगी नहीं कि किस तरीके के लिए किया जा रहा है, व्हाइट पेज में आपसे साइन ले लेगा, एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा और आपसे व्हाइट पेज में साइन ले लिया जाएगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा और क्या क्या कर अलग अलग तरीका अपनाती है। तो आप ऐसे, ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, जब हम ट्रांसफर करते हैं एक प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो आप उसको हमेशा जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर है ये सरासर इलीगल है और ये हमको या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, कोअर्शन के थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए सुनील भाई, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। फेसबुक पर उसी गाँव के एक राजा सरोज पांडे है, उन्होंने कहा है कि पूरे गाँव के साथ स्कूल भी बिक गई है सर, 117 एकड़ में मेरा पूरा गाँव ही अनहर है। पहली चीज उन्होंने लिखी है और दूसरी उन्होंने लिखा है कि लीज एग्रीमेंट में सर म्यूटेशन के लिए इश्तेहार होता ही नहीं है। हाँ, तो ये सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं उन्होंने। हम क्योंकि लीज पे बात कर रहे थे इसलिए वो शायद लीज पे बोल रहे होंगे। जी, जी। तो लीज पे ट्रांसफर नहीं हुआ होगा यहाँ पे, हो सकता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। तो अगर डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है और आप लोगों को लगता है कि ये गलत तरीके से हुआ है तो आप जरूर इसको उस ट्रांसफर डीड को लेके आप लोअर कोर्ट में जाके चैलेंज करिए कि हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उनको ट्रांसफर हुआ है तो उनके पास अमाउंट भी नहीं आया होगा, उनके अकाउंट में पैसा भी नहीं आया होगा। वो बोल देंगे कि हम आपको कैश दिए थे, ये दिए थे, अरे इतना बड़ा आप जमीन का ट्रांसफर कर रहे हैं आप कैश दे दीजिएगा, हम ही लोग मतलब यही जनता लोग मिला है आपको कि बनाने के लिए पढ़ाने के लिए। तो प्लीज जाके चैलेंज करिए, कोर्ट का रुख अपने अधिकारों को पहचानिए, एकदम बस इतनी सी बात है कि अपने अधिकारों को पहचानिए। देखिए यहाँ तीन लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो देखिए सोनल तिवारी जी कानूनी सलाह के लिए हैं, भुवनेश्वर केवट जी हैं, सीपीआई मिल के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ ऐसे जन सहभागिता में हमेशा आगे रहते हैं अजय टोप्पो साहब हैं जो कि आदिवासी नेता भी हैं, आदिवासी मामलों के अच्छे जानकार भी हैं, इनको पता है कि आपकी मदद के लिए 24 घंटे रेडी है। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों से 24 घंटे इन लोगों को मदद मिलेगी। एकदम, एकदम। तो सवाल यह है कि भाई इनसे संपर्क कैसे कीजिएगा, तो इनसे संपर्क करने के लिए आप देखिए एक तो बहुत अच्छा माध्यम है फेसबुक, फेसबुक में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो हम चारों लोग आपको मिल जाएंगे। अगर उसमें भी आपको नहीं लगता है कि आप उसमें संपर्क कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, हमारे फेसबुक के लाइव स्ट्रीम में जाकर के आप जो है अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपसे वापस से संपर्क करूंगा आपके मामलों को लेकर के। बहुत शुक्रिया भुवनेश्वर केवट साहब, बहुत शुक्रिया सोनल तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया अजय टोप्पो साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। भाई देखिए जमीन की गड़बड़ी हुई है लेकिन याद रखिएगा जिन्होंने भी गड़बड़ी की है कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं, तो इसको भूलिएगा मत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।